हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आपके भारी डिमांड पर मैं एक बार फिर से आया हूं आप लोग के लिए जबरदस्त केमिस्ट्री का वीडियो लेकर के। तो आज का टॉपिक है एलिफैटिक कन्वर्शन। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल पे आप लोग देखे होंगे एरोमेटिक कन्वर्शन कितने ही बेहतरीन तरीके से। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं एलिफैटिक कन्वर्शन। एलिफैटिक कन्वर्शन हेडिंग दे दीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी लोग देखते हैं मेरे चैनल को, सबसे पहले आप कॉपी और कलम तो जरूर ही निकाल लें, और जो कॉपी कलम नहीं निकालेंगे उसको हम दंडित करेंगे, मतलब बोल बोल करके। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे एलिफैटिक कन्वर्शन। जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा वो तुरंत बोलेंगे और उसी में सारा नाम और हर एक चीज बताएंगे। बस दिल थाम के बैठिए और लगातार सबसे पहले कॉपी में नोट कर लीजिए एलिफैटिक कन्वर्शन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार, बस देखते रहिए हमारे चैनल को। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं एलिफैटिक कन्वर्शन के लिए हम शुरुआत करेंगे एक नंबर से। हम पांच या छह आपको टाइप लेंगे, उस टाइप में ही सारा कन्वर्शन कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, आपको सबसे पहले पता होगा, मीथेन, ठीक है, आपको पता होगा इसका नाम, आप लोग पता होगा आपको इसको बोलते हैं मीथेन। तो मीथेन से हम शुरुआत करेंगे और मीथेन पे जाके खत्म करेंगे तो हमारा कन्वर्शन नंबर एक कंप्लीट हो जाएगा। और उसे हम क्या क्या कन्वर्शन कर सकते हैं ये आपको हम पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये जो एलिफैटिक कन्वर्शन है ये सीबीएसई जैक बिहार या किसी भी अन्य जो इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट पढ़ते हैं उसको इस वीडियो से फायदा पहुंच सकता है। इसलिए इस पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और नोट कीजिए और देखिए कि तुलना कीजिए अन्य टीचरों का और मेरा। चलिए तो सबसे पहले मीथेन में आपको क्या करना है। सबसे पहले आप जो जानते होंगे थोड़ा सा बेसिक, जिसका क्लियर होगा, आपको पता होगा कि इसमें हम लोग Cl2 यूवी लाइट के प्रेजेंस में डाल देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, यूवी लाइट के प्रेजेंस में Cl2 डाल देंगे। और आपको पता होगा कि इसके अनुसार आपका क्या बन जाएगा, CH3Cl। और इसका नाम है, इसका नाम हम लिखते हुए चलते जाते हैं, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। और मिथाइल क्लोराइड में आपका रास्ता बहुत सारा खुलता है, यहां से मिथाइल क्लोराइड हम बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे सिर्फ एक टाइप का, हम एक एक टाइप को लेके चलेंगे और मजा आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा कोई भी कन्वर्शन आपसे छूट नहीं पाएगा, छोड़ना भी चाहेंगे तो आपका छूट भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्वस क्यूएच डाल देंगे, क्या करेंगे, एक्वस क्यूएच डालेंगे। और एक्वस क्यूएच जैसे ही डालेंगे तो आपका बन जाएगा CH3OH। और इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल, क्या नाम है इसका, मिथाइल अल्कोहल। एक एक चीज को नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई भी कन्वर्शन फिर नहीं बोलिएगा कि कन्वर्शन का वीडियो लाइए। तो कन्वर्शन का वीडियो हम इसलिए ला रहे हैं ताकि आप सभी बच्चे जो कन्वर्शन नहीं कर पाते हैं, कितना भी पढ़ते हैं कन्वर्शन नहीं कर पाते, मैं दावा देता हूं कि कन्वर्शन आपका कंप्लीट करवा दूंगा और साथ ही साथ रिएक्शन भी आप कर पाएंगे, इतना मैं भरोसा देता हूं। तो जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो आप क्या कर देंगे, इसके बाद तुरंत ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा। ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में कीजिएगा, तो KMnO4 H2SO4 के प्रेजेंस में कीजिएगा। तो आप देखिए कैसे हुआ नहीं हुआ ये बिल्कुल क्वेश्चन मत कीजिएगा, क्लियर, वो क्वेश्चन कीजिएगा तो फिर बहुत लफड़ा है, बहुत ज्यादा जा रहा, एक एक चीज बताना होगा, तो वो लफड़ा सब आप नहीं कर सकते। तो HCHO बन जाएगा और HCHO में क्या करेंगे, फिर से हम क्या कर सकते हैं, आपका SCH में आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, CH3MgBr, और दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, H2O/H+ डालिएगा। इससे आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा CH3CH2OH। और CH3CH2OH जैसे ही बना फिर से आप क्या कर दीजिएगा, ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा, तो आपका बन जाएगा CH3CHO। और CH3CHO जैसे ही बन जाएगा, अब देखिए नाम आपको पता होगा, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड और इसका नाम होगा आपका इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, ठीक है, समझ जाइएगा। और जैसे ही ये हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा एसीटेल्डिहाइड। और एसीटेल्डिहाइड में क्या करिएगा, फिर से एक बार ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो आपका बन जाएगा CH3COOH। और CH3COOH का नाम होता है एसिटिक एसिड, क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड में जैसे ही आप NaOH डाल देंगे तो आपका बन जाएगा CH3COONa। और यहां पे जैसे ही आप कर देंगे NaOH/CaO, इसको कहते हैं सोडा लाइम, क्या कहते हैं सोडा लाइम, तो आपका फिर से बन जाएगा मीथेन। और यही हम अभी बताना चाह रहे थे कि जहां से हमने स्टार्ट लिया वहीं पे हम फिर पहुंच गए, तो देखिए कुछ प्राप्ति हुआ,
प्राप्ति हुआ, हम समझ गए कि वहां से वहां तक गए और फिर वहां से हम रिटर्न होके वहीं पे पहुंच गए, हमको पता चल गया कि हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर मंजिल हमारा वहीं पे पहुंचना होता है, यानी जहां जन्म लिए थे यानी फिर से मौत होना है, ये निश्चित कह सकते हैं। उसी प्रकार कन्वर्सन ना हो ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता हूं कि मैं बता रहा हूं, कन्वर्सन तो होना ही होना है। बस ये चीज को आपको क्या करना, लिख लिख करके आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, आप देखिए सबसे पहले इसको पूरा बनाइए, और इसके बाद देखिए आप बनाने का क्या है, आप सीधे बनाइए मिथेन से, आप सीधे बनाइए मिथेन टू, आप बनाइए सोडियम एसीटेट, क्या है मिथेन टू सोडियम एसीटेट, तो ये आपका सोडियम एसीटेट है बाबू, हाँ सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट तक हम जैसे पहुंचेंगे तो आपका कन्वर्सन फटाफट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सोडियम एसीटेट इसका अंतिम पॉइंट यानी उस जगह पे पहुंचने का एक अंतिम जगह जहां पे पहुंचना है अंतिम, वहां तक आप पहुंच सकते हैं, तो आप किसी को फटाफट करें। लेकिन क्वेश्चन आपका ये नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा आपका नंबर वन जो खतरनाक, जो कि हमारा डायलॉग है खतरनाक, हमारा डायलॉग है खतरनाक, हमारा डायलॉग है खतरनाक, तो आपका क्वेश्चन आएगा आपका मिथिनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल, क्या बनाएंगे मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल, एंड मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला लिखिएगा, क्योंकि जो आपका ये हो गया आपका ये क्या हो गया स्टार्टिंग मटेरियल, ये हो गया फाइनल मटेरियल, यहां तक पहुंचना है तो CH3OH में क्या कीजिएगा आप ऑक्सीडेशन कर दीजिए। ऑक्सीडेशन जैसे ही करेंगे तो आपका बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड में जैसे ही CH3MgBr by H2O by H plus करेंगे तो आपका बन जाएगा CH3CH2OH, दिस इज कन्वर्सन, दिस इज मिथाइल अल्कोहल एंड दिस इज इथाइल अल्कोहल। क्या आपको क्लियर हो गया, देख देख के आप बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे क्या, बना पाएंगे ना, यानी मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल हम बना सकते हैं आसानी से, बना सकते हैं ना, उसी प्रकार आप मिथाइल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बना सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल से आप एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल से आप मिथेन बना सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल से आप इथाइल अल्कोहल जो अभी हम बना के दिखाए, मिथाइल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड आप बना सकते हैं, तो आपका होमवर्क रहा मिथाइल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड, मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड, मिथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल से मिथेन, मिथाइल अल्कोहल से सोडियम एसिटेट, या आप यहां से भी चल सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड, मतलब सारा कन्वर्सन एक एक पहले एक स्टेप वाला सोचिएगा, सिर्फ एक स्टेप में मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड टू इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल, एक बार प्रयास कीजिए, देखिए जबरदस्त मजा आने वाला है। तो आज हम बताए पहला पार्ट, इसी प्रकार के पार्ट को देखने के लिए सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, उसके बाद मैं लाता हूं दूसरा पार्ट, क्योंकि एक एक पार्ट को हम सूरज कुमार जैसे एक बार में एक पार्ट पूरा नहीं लाएंगे, हम लाएंगे एकदम आराम से, बस आपको देखना होगा पूरा वीडियो कंप्लीट देखना होगा, इसको सीखना होगा, उसके बाद हम फिर इसका दूसरा पार्ट लाएंगे, और उस दूसरे पार्ट को देख लेने के बाद हम तीसरा पार्ट लाएंगे, एक एक करके एक एक पार्ट लाएंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और साथ ही साथ मैं एक बार फिर से बोलता हूँ सूरज कुमार के सारे वीडियो को देखें, क्योंकि सूरज कुमार काफी मेहनत से बनाया है, तो आप लोग जरूर देखें, साथ ही साथ मेरा केमिस्ट्री का वीडियो जरूर देखें और लाइक करते रहें, और साथ ही साथ आप लोग को यही बोलूंगा कि जो चीज पाना चाहते अपने जीवन में जरूर पाके दम लें। थैंक यू वेरी मच इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।